हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छा से हूँ। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ आज बिहार में। ये कमला बलान जो बहुत फेमस है कि बाढ़ आता है ना, उस टाइम का जो बाढ़ आता है हम लोग का बहुत भारी बाढ़ आता है इसी नदी से। देखिए जा रहा है, इसके बीच में खेती बाड़ी फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें बाहर आ जाता है, बाहर इधर से आता है और धान जो होने का हो गया है वो जो कटने तक गेहूं शायद होता नहीं है। इसमें जो वो दालाल का खेती होता है थोड़ा बहुत हो गया है, ख़त्म हो गया है। अभी ऐसे पड़ा हुआ देखिए कैसा है नज़ारा। और ये देखिए बीच से एक पूरा रास्ता बन रहा है जो डायरेक्ट झंझारपुर स्टेशन से जुड़ता है, ठीक है, झंझारपुर स्टेशन से जुड़ता है। और देखिए हम लोग इधर जा रहे थे तो हम लोग सोचा इसका वीडियो बना लें, देख लें कैसा है। देखिए इसको देखने में कितना मस्त है। देखिए ये मिल गया, देखो दिखा रहे हैं आप लोग को, ये मिल गया है। मतलब जंगली गाय, जंगली गाय जो है यहाँ पे रहता है जो धान में सब खा लेता है, ठीक है, और बाद में सब ऊपर भाग जाएगा, बाद में जो इस तरफ आ जाता है वो। तो इस तरफ आगे देख रहे हैं ये गाँव है, ये देखिए गाँव ये है आपको नरवार बोलते हैं, नरवार गाँव है, इधर आ जाता है बाद में पानी आ जाता है, पूरा टह जाता है आज जाता है। नदी में आपको घर बहुत कम मिलेगा, घर है फिलहाल में बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। इस तरह देखिए सब अच्छा है, इस तरफ फिलहाल भी कम लगेगा। अभी बाहर आएगा ना, अभी बारिश होगा तो उसके बाद ही खेती होगा। पहले 3-4 साल पहले जो बारिश हुआ था उसमें पूरा ये सब पूरा भाग गया था, इधर तो बहुत बर्बादी हुआ था, बहुत आदमी मर गया था। Thank you.
साइड पे यह जगह ये है पानी खोलने के लिए, ठीक है। पानी खोलते हैं ना फाटक से, ठीक है। डैम के लिए पानी खोलते हैं ना, तो इस तरफ निकलता है, इस तरफ निकलेगा और जाएगा खेत में, नदी में जाएगा। इसके लिए ये है, देखिए करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय, गुड नाइट।